मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 11th में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th में तुम लोग को इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ग्राफ बनाया था, बेसिक ग्राफ और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, ये मैंने तुमको सिखाया है, ठीक है। मान लो मैं बोलूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस ऐसी रिविजन के लिए, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी अपने मन में जो आए वो लिख दो। 3/7 / 2/4x + 2 = 0 मतलब ऐसा है, 3/7 - 2/4x + 2। अब मुझे y और x में लीनियर रिलेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये बात को समझ में आता है। इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाने के सबसे पहला काम क्या करना है, इसको y = mx + c के फॉर्मेट में अपने को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करते हैं, अब y = mx + c के फॉर्मेट में कैसे आएगा, तो क्या करो, 7 को उधर भेज दो, पूरे को 7 से मल्टीप्लाई और इसे डिवाइड कर दो। ये y को ऐसे लिख सकते हैं क्या, -2/4 हो गया 1/2 माइनस में, यहां से 7 आएगा और यहां से क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, 7 इधर गया 3 इधर आ गया। फिर 7 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40/3। जब आप कंपेयर करोगे तो y = यहां पे एक x भी होगा, ये हो गया -7/6 टाइम्स ऑफ x प्लस 14/3। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, देखते हैं। 7/6 को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ, 1.1 मतलब 1.1 x के बराबर आ रहा है, प्लस 14.3 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4.66 ऐसा कुछ आ रहा है। अब जब आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे ना y = mx + c से, तो तुम्हारे पास y इंटरसेप्ट है और तुम्हारे पास स्लोप है। अब नेगेटिव स्लोप है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो रेफरेंस वाला ग्राफ कौन होगा, स्लोप नेगेटिव है तो रेफरेंस वाला ग्राफ है y = -x। y = -x का ग्राफ कुछ तो ऐसा दिखाना है अपने को, ये जो ग्राफ होगा वो y = -x का ग्राफ है कुछ ऐसा। अब अगर ये y = -x का ग्राफ है और मुझे ग्राफ किसका प्लॉट करना है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है पहले, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कांस्टेंट को हाइड कर देते हैं, इसको हाइड कर दो, 4.66 को अगर आप हाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास आ जाएगा y = -1.1 × x। अब y अगर -1.1 × x आ रहा है तो स्लोप का वैल्यू क्या था, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू था 1, अब तुमने स्लोप का वैल्यू बढ़ा के 1.1 कर दिया। नेगेटिव स्लोप जब होता है, नेगेटिव स्लोप का मतलब होता था जितना ज्यादा स्लोप का वैल्यू होगा उतना कम इंक्लिनेशन रखना है, तो स्लोप का वैल्यू बढ़ गया, स्लोप का वैल्यू बढ़ गया इसमें क्या करेंगे, इंक्लिनेशन भी बढ़ा देंगे, पर इंक्लिनेशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखाया गया मैंने जो ग्रीन से बनाया है। अब ये क्या है मेरे पास, इसका ग्राफ है y = -1.1 × x। अब ये जो कांस्टेंट है ना उसको y की तरफ भेजो, ज्यादा आसान हो जाएगा। देखना ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ क्या, y - 4.66 - 4.66 - 1.1 × x। अब y में कुछ माइनस किया गया, अगर y में कुछ माइनस करोगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ को y के पॉजिटिव में, ग्राफ में कुछ माइनस करते हैं, y में कुछ माइनस करते हैं तो ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं क्या। अब ग्राफ को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दोगे अगर, तो ये जो y -4xx है तो कितने यूनिट से शिफ्ट करना है, तो 4.66 यूनिट से शिफ्ट करना है। तो ये जो ग्रीन वाला लाइन था उसको 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 5 होता तो 4.66 यहाँ पे होता। अब बस मैं क्या करूंगा, ये इस ग्रीन वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा, ऐसे ये जो ग्रीन वाला लाइन है ना, इस ग्रीन वाली लाइन के पैरेलल बस ये क्या करो, लाइन बना दो। ये रेड कलर थोड़ा दिखता नहीं है स्क्रीन पे, रिकॉर्डिंग एडिटिंग करने के बाद ये रेड वाला लाइन दिखता नहीं है, फिर भी मैंने आपको बनाया। तो ये जो रेड से मैंने बनाया है y = -1.1 × x + 4.66 का ग्राफ। सर ये बहुत ही आसान है, सर ये बहुत ही आसान है और आप अपने अब तो समझ में आ गया होगा। तुम कुछ भी एक्सप्रेशन लिखो ना, मैं तुमको उसका ग्राफ बना के दिखा सकता हूँ, बस आपको स्टेप्स फॉलो करना है। पहले तो y = mx का ग्राफ बना लो, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, शिफ्टिंग कर लो, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में इतना ही कुछ जानना है।
अब स्ट्रेट लाइन के बाद और क्या क्या होते हैं? तो नेक्स्ट डायग्राम हम देखेंगे पैराबोला। नेक्स्ट ग्राफ हमें किसका देखना है? पैराबोला। अब पैराबोला क्या है? तो पैराबोला भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ये सब बहुत ज्यादा यूज होगा। अभी जब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आप देखोगे कि सर पैराबोला आपने जो पढ़ाया है वो काम में आ रहा है। समय लगेगा लेकिन आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सब। जैसे अभी बहुत लोगों के मन में डाउट होगा, सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? फिजिक्स पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ाना क्या चाहते हो? बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि मेरे किसमें विश्वास रखे, क्या बोलते हो उसको, एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस में विश्वास, विश्वास, हाँ, मेरे एक्सपीरियंस में विश्वास रखिए, मेरा एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। फिजिक्स आसान बनाना है, बस मेरे को ये आता है और मेरे को कुछ नहीं आता। किस तरह से आसानी से फिजिक्स सिखा दिया जाए, बस मैं यही जानता हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल बाकियों से अलग हो, ठीक है, लेकिन ये आसान होगा, ये तुम भी देख लोगे, चार जगह तुम जाके ट्राई कर सकते हो, किया भी होगा शायद तुम लोगों ने ट्राई देखते। अब पैराबोला सीखना सर, पैराबोला की क्या है सर, की का बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, प्यार से बोला नहीं, पैराबोला। अब पैराबोला क्या है? मान लो कभी भी अगर तुमको इक्वेशन ऐसा दे y = x, दोनों लीनियर लीनियर चल रहे थे क्या, y का पावर भी 1 था, x का पावर भी 1 था। अब मैं बोल रहा हूं y = x² मुझे इसका ग्राफ बनाना है, एक-एक करके देखते हैं। y = x² मुझे इसका ग्राफ बनाना है, पहले बेसिक ग्राफ सीख लेंगे, फिर शिफ्टिंग भी आ जाएगा, शिफ्टिंग का कोई प्रॉब्लम है नहीं। y = x² है, इसका ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएं सर, कैसे बनाएं सर, कैसे बनाएं, देखते हैं। बेसिक तरीका एक तो आता है ना, पॉइंट्स लोकेट कर करके अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, एक बेसिक तरीका आता है। अब एक चीज अगर आप देखोगे, ग्राफ जो भी बनना है, ग्राफ जो भी बनना है, यही सबसे पहले जो भी ग्राफ बनना है भाई, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बनाओगे ना पहले, तो पहले हमने बना दिया एक्स एक्सिस और ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस। अब अगर तुम ग्राफ को लॉजिकली देखोगे ना, मैं एक्स के वैल्यू अज्यूम करता हूं 1, वाई कितना आएगा, अगर मैं एक्स को 1 मान लूं, वाई कितना 1, एक्स का वैल्यू माइनस वाई 1, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू माइनस 2, वाई का वैल्यू प्लस 4। इसका मतलब मैं एक्स के कोई भी वैल्यूज ले लू, मैं एक्स के कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर लू, वाई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना है क्या? तुम एक्स के कोई भी वैल्यू रख के रखो, -4, -3, -7, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है क्या? इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बनेगा उसमें y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और मैं x के कोई भी वैल्यूज रख सकता हूँ। आप x का कोई भी वैल्यू रख दो, ग्राफ y में जो बनेगा वो y के पॉजिटिव साइड बनेगा। जब x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 0 तो y 0 है। अगर x का वैल्यू 0, y 0 मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, ये बात तो समझ में आ गया सर जी। ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, ये बात तो समझ में आ गया सर जी, ठीक है। जब x का वैल्यू 1 है तब भी y का वैल्यू क्या है, 1। मान लो x 1 है तो y कितना, 1। जब x -1 था तब भी y 1 है क्या? ये x का वैल्यू 1 था तब भी y मेरे पास कितना है, y मेरे पास 1। जब x का वैल्यू -1 है तब भी y का वैल्यू 1 हो रहा है, हाँ या ना? अब ये और जब 2 और 4 ऐसे जब लेके जाओगे ना, तो जैसा देखोगे, जैसा यहां पर सिमेट्री आ रहा है वैसा ही ग्राफ का सिमेट्री यहां पर होगा। सिमेट्री का मतलब एक जैसे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने 2 पे बनाया होता, तो 2 पे यहाँ पर आपको क्या मिलता? अगर आप 2 रखोगे प्लस 2 तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा क्या? 2, 4 हो जाएगा। अब जैसे ही आप सिमेट्री में -2 यहाँ पर आओगे, तो आपको वापस से क्या मिलने वाला है, -2, 4 वापस से यही मिलने वाला है क्या? अब जो पॉइंट है ना आपको ज्वाइन करने की कोशिश करो, जब आप ये पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना तो आपको जो ग्राफ दिखेगा, अब मैं पॉइंट्स हटा सकता हूं क्या? नहीं, पॉइंट्स रहने देते हैं। ये जो ग्राफ है वो कुछ तो इस तरह का दिखेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, आप अच्छे से बनाना, मेरे पास तो रफ करने की मशीन है, हाथ है मेरे पास, मैं रफ कर सकता हूं, तुम नहीं रफ कर पाओगे,
ये 0.0 है, ये क्या था कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट था 1.1, ये कोऑर्डिनेट क्या है -1.1, फिर यहां देखिए मान लो ये क्या है -2.4, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट है 2.4। इस तरह का ग्राफ जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, जब भी y=x2 ऐसा कोई रिलेशन दिखे तो जो भी ग्राफ बन के आएगा वो क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ होता है। अब इस वाले ग्राफ में आपको याद क्या रखना है, ये इक्वेशन याद रखना है y=x2 में आपको ये इक्वेशन याद रखना है, ये याद रखना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब कैसे याद रख पाएंगे सर, इसमें याद रखना बहुत ही आसान है, इसमें याद रखना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यूज रख सकते हो, मतलब आप इधर की ग्राफ बना सकते हो, इधर की ग्राफ बना सकते हो, लेकिन अगर x का स्क्वायर है मतलब y हमेशा क्या होना है, पॉजिटिव होना है। अब y हमेशा पॉजिटिव होगा मतलब ग्राफ क्या करेगा, ऊपर ही खुलेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इस तरह की पैराबोला को ऐसा पैराबोला y=x2 का जो पैराबोला है ये क्या है, वीक मांगता हुआ पैराबोला है। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से अपन जनरली वीक मांगते, दे दे भाई साहब, दे दे भाई साहब, ऐसा वीक मांगते हैं। तो y=x2 ये आगे तुमको जाते हैं पैराबोला में बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराबोला, जो सिखाऊंगा ना डांस करना सीख जाओगे पैराबोला अगर तुमको आ जाएगा। y=x2 का ग्राफ मैंने इस तरह से बनाया, समझ में आया क्या? आया ना, बिल्कुल सर समझ में आया। अच्छा, इसी ग्राफ में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लो इसी ग्राफ में मेरे को बोला गया है कि ब्लैक से मैंने बनाया था y=x2 का, मान लो ग्राफ बनाना है y=-x2 का, जो ग्राफ है y=-x2 का बनाना है। अब फिर से सोचो, तुम x की कोई भी वैल्यू दे सकते हो क्या, x का वैल्यू मान लो, y का वैल्यू माइनस है, आया क्या, x का वैल्यू -1 है, x-1 फिर भी y-1 क्यों, अगर तुमने x का वैल्यू -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर से माइनस हो जाएगा क्या, मतलब तुम x के कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, जिसका स्क्वायर होता है ना जनरली, जिसका स्क्वायर होता है जनरली उसके तुम कोई भी वैल्यूज रख सकते हो, और जो इंक्रीमेंट जो लीनियर फंक्शन वाला होता है उसका वैल्यू तुमको चेक करना होता है सेकंड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। अब स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये माइनस इसको क्या करेगा, नेगेटिव बनाकर रहेगा क्या, मतलब आप x के कोई भी वैल्यू रखो ग्राफ में y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, और जब x का वैल्यू 0 है तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला तो बनेगा लेकिन इस तरह से। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ये जो मैंने इतना ज्यादा नहीं होता ऐसा खुलता जाता है, खुलता जाएगा इस तरह से जो ग्राफ है। ठीक है, बना लेते हैं बॉडी इसका। ये जो ग्राफ है वो है y=-x2 का। अब तुमको ये डायग्राम के साथ याद रखना है, डायग्राम के साथ कैसे याद रखोगे, अगर मैं बोलूं कि तुमको y=x2 का ग्राफ बनाना है तो ये वीक मांगता हुआ पैराबोला, अगर तुमको y=-x2 का ग्राफ बनाना है तो ये डांग देता हुआ पैराबोला। ठीक है, वीक मांगता हुआ पैराबोला, डांग देता हुआ पैराबोला, इस तरह से y=x2 y=-x2 y=x2 y=-x2, इस तरह से सुबह शाम एक्सरसाइज भी हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें याद भी हो जाएगा, सुबह उठेंगे 5 बार y=x2 y=-x2 y=x2 y=-x2, इस तरह से तुम्हें पैराबोला याद भी हो जाएगा और तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ नोट करेंगे, अभी पैराबोला में दो और ग्राफ होंगे, दो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो और बताऊंगा, ये दो हो गए, स्क्रीन पॉज करेंगे नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड ड्रॉप कर लेता हूँ फिर आगे पढ़ाता हूँ। आगे देखते हैं और दो ग्राफ है, मान लो ऐसा इक्वेशन x=y2। अब अगर तुमको समझ में आ गया होगा ना तो तुम खुद से बना लोगे इसका ग्राफ, x=y2 अगर तुमको समझ में आ गया है तो तुम खुद से इसका ग्राफ बना लोगे। कैसे सर, कैसे बना लेंगे, ये ओरिजिन हो गया, अब मेरे पास y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है मतलब मैं y के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले सकता हूँ क्या, y के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज, आप कुछ भी रखो y, पॉजिटिव वैल्यू रखो नेगेटिव वैल्यू रखो, x हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या, अगर x हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, x का वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो जो ग्राफ होगा वो x के पॉजिटिव की
साइड में खुलेगा क्या? तो ये जो ग्राफ है ना वो x के पॉजिटिव के साइड में खुलेगा और कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास कौन सा ग्राफ है, x equals to y square का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इस तरह से पैराबोला बनाएंगे, वो x equals to y square का ग्राफ। मान लो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, चेंज क्या कर दिया, x equals to minus of y square का ग्राफ बनाना है। अब अगर x equals to minus of y square का ग्राफ बनाना है तो फिर से हम क्या बोलेंगे कि y का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है। y का स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है अगर, तो x हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। क्या, क्यों? क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव में माइनस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है वो क्या करेगा, नेगेटिव ऑफ x के साइड में खुलेगा। इस तरह कुछ ग्राफ होगा ना, तो ये मेरे पास कौन सा ग्राफ हो गया, x equals to minus of y square का ये ग्राफ है और x equals to y square का वो ग्राफ है। अब बेसिकली तो हमारे पास पैराबोला में चार स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जो आपको याद रखना है। x equals to y square, ये कौन सा पैराबोला था, भीख मांग का पैराबोला। y equals to x square, भीख मांग का वो पैराबोला। y equals to minus x square, दान देता वो पैराबोला। x equals to y square, ये वो पुराने टाइम में डांस फॉर्म होता था, उसमें इस तरह से करते हैं, x equals to y square, x equals to minus y square। अब ये तुम क्या करोगे ना, सुबह शाम अगर इसके प्रैक्टिस करोगे, एक तो तुम हेल्थ से भी कॉन्शियस हो जाओगे, उल्टा तुम सीख भी जाओगे। और ये पैराबोला जो है ना, ये बहुत ही स्पेशल फॉर्म है, तुम इसको एज अ डांस यूज कर सकते हो, पैराबोला डांस। ये इस तरह से क्या करते हैं, पैराबोला डांस भी होता है, आप सीख भी सकते हो, सिखा भी सकते हो लोगों को, मैथ भी सिखा रहे हो और डांस भी सिखा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पैराबोला का तुमको बेसिक ग्राफ बता दिया। अब हमेशा इतनी बेसिक ही चलेगी कि कहानी, हमेशा इतना छुट्टू छुट्टू ग्राफ ही चले आएगा, x equals to y square, x equals to minus y square, नहीं। कभी कभी तुमसे बोल देंगे कि क्या करना है भाई, तुमको थोड़ा शिफ्टिंग करना है। अब शिफ्टिंग करना है उसके लिए क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं x equals to y square वाले ग्राफ से। एक ग्राफ में जैसा शिफ्टिंग होगा बाकी में भी वैसे ही होगा। अब मान लो इसमें ऐसा बोला जाए कि मुझे ये ग्राफ बनाना है, x equals to y square का ग्राफ मेरे को पता है। मान लो ये बोला जाए कि आप ग्राफ बनाएंगे x equals to 2 times of y square। ठीक है, ये मैंने बना दिया, मुझसे बोला गया है कि आप ग्राफ बनाएंगे x equals to 2 times of y square का। अच्छा, अब इसमें एक चीज नोटिस करने का होता है, पैराबोला स्ट्रेट लाइन में क्या था ना, स्ट्रेट लाइन में अगर आप देखोगे, अब जो बोलूंगा एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है, मजाक करता हूं, अब सीरियस बातें चलेंगी भाई साहब। x अगर स्ट्रेट लाइन था तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, स्ट्रेट लाइन है मतलब कभी भी अगर आप x के पॉजिटिव से इंक्लिनेशन देखोगे, मान लिए थीटा 1 है या थीटा 2 है या थीटा 3 है, तो थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 ये तीनों इक्वल होंगे क्या? स्ट्रेट लाइन में कभी भी अगर आप किसी भी पॉइंट पर अगर x के पॉजिटिव से अगर आप इंक्लिनेशन देखोगे, तो x के पॉजिटिव से जो इंक्लिनेशन आ रहा है वो हमेशा सेम है। अगर x के पॉजिटिव से इंक्लिनेशन हमेशा सेम है, इसका मतलब जितना स्लोप इस वाले पॉइंट पर है उतना ही स्लोप इसके होगा, उतना ही स्लोप इधर भी होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्या, स्लोप एट फर्स्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू स्लोप एट सेकंड पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू स्लोप एट थर्ड पॉइंट। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन होता है, या स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो ऐसा इक्वेशन है या ऐसा ग्राफ है जिसमें स्लोप का वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज नहीं होता, जो स्लोप उसका किसी एक पॉइंट पे है जब तक वो लाइन चल रहा है तब तक उसका स्लोप क्या रहेगा, वही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब पैराबोला में क्या अंतर हो गया भाई, पैराबोला में जरा देखोगे तो देखो, मैं कुछ पॉइंट्स अगर मार्क कर दूं,
मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड सेकंड और ये फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। अब मान लो मुझे यहां पर स्लोप बताना है अलग अलग पॉइंट्स है, जब एक बार डिफरेंशिएशन सीखा होगा तो ये तुम फाइंड भी कर लोगे। अभी क्या क्या करो, कर्व, कर्व मतलब सर्कल, सर्कल का टुकड़ा या पैराबोला, ये इसको इसको कर्व का टुकड़ा ही बोलेंगे ना। अब कभी भी किसी कर्व में अगर तुमको टैंजेंट जानना है या कर्व में अगर तुमको स्लोप जानना है तो तुम क्या करोगे, जिस भी पॉइंट पर स्लोप जानना है ना, अगर कर्व है, कर्व मतलब एक कर्व का टुकड़ा, मतलब ऐसे जो कर्व लाइंस होते हैं इस तरह से कर्व जब होगा, तो कर्व का अगर तुमको स्लोप जानना है तो जिस भी पॉइंट पर स्लोप जानना होगा कर्व का, वहां पर क्या करना, एक टैंजेंट ड्रॉ कर लेना। जिस भी पॉइंट पर कर्व का स्लोप जानना है वहां पर क्या करेंगे, एक टैंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। जैसे पॉइंट वन पर अगर मुझे स्लोप जानना होगा, पॉइंट वन पर अगर मुझे स्लोप जानना होता ना, तो मैं क्या करता, पॉइंट वन पर एक टैंजेंट बना देता इस तरह से। अब टैंजेंट बहुत ही स्पेशल लाइन है क्या, जो टैंजेंट होता है, टैंजेंट बहुत ही स्पेशल लाइन है। टैंजेंट स्पेशल लाइन क्यों है, क्योंकि वो जो लाइन होगा वो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके भागेगा। जब अब ये टैंजेंट जो इंक्लिनेशन बनाएगा, अब ये टैंजेंट जो इंक्लिनेशन बनाएगा, उसका उसका टैन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। मान लो पॉइंट वन पर स्लोप आ रहा है, एम वन का वैल्यू आ रहा है टैन थीटा वन, एम वन पर स्लोप आ रहा है टैन थीटा वन। पॉइंट टू पर अगर मैं बात करूं तो मान लो मैं बोलूं कि पॉइंट टू पर स्लोप ढूंढ के बताओ, तो पॉइंट टू पर अगर स्लोप ढूंढना होता तो टैंजेंट कुछ ऐसा बनाते क्या, ये मैं थोड़ा बॉर्डन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो मुझे पॉइंट टू पर स्लोप बनाना होता तो स्लोप एंगल ये होता क्या, पहले थीटा वन था, अब स्लोप एंगल क्या हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा। स्लोप एंगल अगर थीटा टू है मतलब स्लोप का वैल्यू भी चेंज हो गया। अब तुमको लग रहा है थीटा वन थीटा टू अप्रोक्सीमेटली सेम ही तो है, थर्ड वाले में देख लो, थर्ड वाले में देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड वाले में अगर मुझे स्लोप बनाना होता, थर्ड वाले मेरे को स्लोप बनाना होता तो ये थीटा थ्री एंगल फॉर्म करते क्या, तो एम थ्री का वैल्यू क्या लिख देते, टैन थीटा थ्री लिख देते। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो स्लोप का इंक्लिनेशन कम होता जा रहा है, स्लोप का जो इंक्लिनेशन है कम होता जा रहा है, या ऐसा बोल देंगे कम हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो बाद में समझेंगे, ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि एम वन नॉट इक्वल टू एम टू नॉट इक्वल टू एम थ्री। इसका मतलब ये जो पैराबोला मैंने बनाया है, पैराबोला एक ऐसा ग्राफ है जिसके हर एक पॉइंट का स्लोप, पैराबोला एक ऐसा ग्राफ है जिसके हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग है। अब अगर हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग है, m1 अलग, m2 अलग, m3 अलग, तो इसमें और इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसका स्लोप। अब ध्यान से देखना, जब इसका स्लोप 1 होगा तो इसका स्लोप 2 होगा क्या, मतलब इसका जो भी स्लोप है मेरे को नहीं पता क्या है, किसी इंसिडेंट का मान लो इसका स्लोप 1 है, मान लेते हैं किसी इंसिडेंट का अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अभी कैसे मान लो कि अगर इसका स्लोप 1 है किसी इंसिडेंट पे तो इसका स्लोप 2 गुना हो जाएगा। अब स्लोप बढ़ गया, अगर स्लोप बढ़ गया तो इंक्लिनेशन क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे क्या, हाँ या ना। अगर स्लोप बढ़ गया, जैसे यहां पर अगर मैं स्लोप बोलू ना तो यहां पर स्लोप हो जाएगा 2y होगा क्या, डी बाई बाई डिफाइन करते हैं ना, जो भी होगा समझ में आ जाएगा तुमको, जब डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा तब कैलकुलेट कर पाओगे, डिफरेंशिएशन से भी स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, पहले इसको नोट कर लेते हैं, इसको पहले नोट करो फिर मैं से बताता हूँ कि कैसे स्लोप ढूंढना है, कि नहीं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, फिर भी आप नोट करो बता दो। ये बनाया था x equals to y square का ग्राफ, अगर मैंने बना लिया तो x equals to 2y square का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये अभी नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसे ढूंढते हैं ये अपने को पता है। किसी भी कर्व का अगर स्लोप ढूंढना होता है तो डिफरेंशिएशन से वो सीखते हैं, डिफरेंशिएशन से करते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएशन जब सीख लेंगे ना तब इसका स्लोप आपको बता सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको पोस्टपोन कर देते हैं कि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, बस इतना समझ लेना कि कभी भी x equals to y square, मतलब एक टर्म लीनियर है दूसरा टर्म नॉन लीनियर स्क्वायर वाले में है, तो आप उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, तो पैराबोलिक ग्राफ बनाओगे। बात समझ में आ रहा है, शिफ्टिंग बता सकते हैं इसमें, इसमें थोड़ा बहुत शिफ्टिंग बता सकते हैं,
अब मान लो मेरे को बोला जाए कि आपको ग्राफ बनाना है, कौन सा ग्राफ? अच्छा पैराबोला में याद क्या रखेंगे कि पैराबोला एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हर पॉइंट का स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन से क्यों अलग है, ये बात समझ में आ रही है। अब उसको इरेज ही कर देते हैं, नए सिरे से बनाते हैं, शिफ्टिंग सिखा देते हैं। एक और शिफ्टिंग की प्रॉब्लम को बता देता हूं, ऐसे तो शिफ्टिंग भी ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। ये सब जो बेसिक ग्राफ्स है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी एक बार जब सारे बेसिक टूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको रिलेट करना पड़ेगा चीजों को। देखो फिजिक्स ना फुल ऑफ रिलेट करना है, आप जितने अच्छे से चीजों को रिलेट कर पाओगे आपकी फिजिक्स उतनी ही अच्छी रहेगी। तो ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा उसका पुराने जमाने से कोई लिंक नहीं होगा, सब आपस में लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि मुझे शिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग बता देते हैं सिंपल ग्राफ का। मान लो मुझसे ये बोला गया है y equals to x square plus 2 का ग्राफ बनाना है। अब y equals to x square plus 2 का ग्राफ मेरे को बोला गया बनाने के लिए, तो पहले क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट को हाइड करो, तो 2 को हाइड कर दिया अगर, तो y equals to x square का ग्राफ बनाना है। y x मतलब मैं x का स्क्वायर है, मतलब मैं x के पॉजिटिव नेगेटिव सारे वैल्यूज ले सकता हूं, x के पॉजिटिव नेगेटिव सारे वैल्यूज लेंगे और y क्या रहना है, y अपने को रहना है पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ बनेगा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा क्या। तो ये मेरे पास ग्राफ हो गया y equals to x square plus 2 का, y equals to x square का मैंने ग्राफ बना लिया। अब यहां पर ये जो 2 है, ये 2 x में ऐड हो रहा है क्या? नहीं, 2 तो x square में ऐड हो रहा है। अगर 2 x square में ऐड हो रहा है तो x में ये ऐड टू होने, तो x में शिफ्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज दो, तो y minus 2 equals to x square है। अब ये जो 2 है वो तो y में ही माइनस हो रहा है, y में कुछ अगर माइनस होता था, y में अगर कुछ माइनस होता था तो ग्राफ को ऊपर में शिफ्ट कर देंगे क्या, कितने यूनिट से, जितना माइनस हुआ उतने यूनिट से शिफ्ट कर देंगे। मतलब पूरा पूरा ग्राफ को क्या करना है, ऐसे पकड़ के ऊपर उठा देना है, कितना यूनिट ऊपर उठा देना है, 2 यूनिट, यहां पर एक होता यहां पर 2 होगा, तो आपका जो ग्राफ दिखता वो कुछ तो इस तरह का दिखता। मतलब ये जो ग्राफ है वो y माइनस 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ है। समय को नहीं समझ में आया, एक और भी आसान है सर, देख लेते हैं एक और ग्राफ। मान लो ये ग्राफ क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। मान लो इसका ग्राफ बोला गया बनाने को, अब देखने में लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y equals to x minus 2 का whole square है क्या, x square plus 4 minus 4x, तो x minus 2 का whole square है। फिर से क्या करेंगे, constant part को hide कर लोगे अगर, तो y equals to x square का graph बनाना जानते हैं, ये मैंने बना दिया y equals to x square का graph, अब मुझे क्या करना है, x में shift करना है। अब x में मैंने माइनस 2 किया है, यहां पर x में माइनस 2 हो रहा है, अगर मैं x में कुछ माइनस करूंगा तो ग्राफ को क्या करना होगा, प्लस x की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना, तो 2 यूनिट से। तो क्या करोगे, ये जो ग्राफ है उसको, ये 1 यूनिट यहां पर होता है, ये 2 यूनिट यहां पर होगा, तो पूरे पूरे ग्राफ को 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया, तो ये जो ग्राफ होगा वो y equals to x minus 2 का स्क्वायर होगा। समय को नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक एक करके डायग्राम समझना, अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आप सिंपल y equals to x square, y equals to minus x square, इस तरह के ग्राफ तो बना ही सकते हो। फिर शिफ्टिंग करनी है, अब शिफ्टिंग में बिल्कुल वैसा ही तरीका यूज करना होता है जो पहले करते थे। पहले क्या करते थे, अगर y ने कुछ ऐड किया है, अब तुम हमेशा देखना कि कौन ज्यादा सूटेबल है, y में ऐड सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा सूटेबल है या x में ऐड सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा सूटेबल है। जिसमें भी ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना ज्यादा आसान लगे उसके हिसाब से ग्राफ बना लेंगे। अगर y में कुछ ऐड किया तो ग्राफ को क्या करेंगे, नीचे खींच लेंगे, अगर y में कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ को क्या कर देंगे, ऊपर उठा देंगे, अगर x में कुछ ऐड किया तो ग्राफ को क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड भेज देंगे, और अगर आपने ग्राफ में कुछ माइनस किया तो ग्राफ को क्या करेंगे, राइट साइड भेज देंगे। इस तरह से क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। मान लो तुम्हारे पसंदी के लिए एक और क्या बना लो, तुम्हारे पसंदी के लिए एक और ग्राफ बना दो। मान लो मुझसे किसी ने बोला
कि भाई साहब हम ये ग्राफ बनाइए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, 4x से तो 20 समझ पाओ, y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2, y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है तो पहले तो कांस्टेंट पार्ट जो उसको हाइड कर लो, जो भी कांस्टेंट पार्ट है उसको हाइड कर लेंगे अगर, तो कांस्टेंट पार्ट को हाइड करने से ग्राफ कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, मतलब मैं y के प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज ले सकता हूं लेकिन x हमेशा पॉजिटिव रखना है क्या, तो y y स्क्वायर इक्वल्स टू x का ग्राफ उसको ऐसा दिखेगा। ये जो ग्राफ है वो है y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू x का ग्राफ हमने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, x में मैंने कुछ ऐड किया है, x में अगर कुछ ऐड करोगे तो ग्राफ को क्या करेंगे, नीचे खींच लेना पड़ेगा क्या। अब x में अगर तुमने x में कुछ ऐड किया तो ग्राफ को क्या करना है, पीछे खींचना पड़ेगा, कितने यूनिट से, दो यूनिट से, तो यहां पर एक होता, यहां कहीं पर दो होता, तो पूरा पूरा ग्राफ पैरेलल में क्या कर देंगे, पीछे खींच देंगे, पूरा पूरा ग्राफ जब पैरेलल में पीछे खींच दोगे तो ये ग्राफ हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2। पैराबोला बहुत ही आसान है, आपको चार बेसिक ग्राफ याद रखने हैं, चार बेसिक ग्राफ अगर याद है उसके बाद थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। एक और ग्राफ होता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे फिजिक्स में, अब बहुत ज्यादा यूज होता है, थोड़ा मुश्किल ग्राफ है इमेजिन करना, तो जितना मैं आपको ग्राफ को बता दूं उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो जितना मैं बता दूंगा उतना काफी होगा, उससे ज्यादा आपको वहां पर कुछ भी नहीं जानना है। देखते हैं, एक बार व्हाइट बोर्ड रख हो जाए तो ये बेसिक ग्राफ है, देखो तो बेसिक ग्राफ में ना कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलोगे कि सर आपने कुछ डिस्क्रिप्ट तो दिया ही नहीं, बेसिक ग्राफ ये बस अंडरस्टैंडिंग के है, ये बार बार आएगा, ठीक है। इसके बाद जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट करोगे ना वहां पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दिया करो। मान लो मुझे ये बोला गया है y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का ग्राफ बनाना है, मुझे बोला गया है y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का ग्राफ बनाना, अब y इक्वल्स टू 1 अपॉन x ये इनवर्स रिलेशन है क्या, फिजिक्स में बहुत बार मिलेगा तुमको इनवर्स रिलेशन। अब जब भी इनवर्स रिलेशन मिले तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जब जब x का वैल्यू, जब x का वैल्यू टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 मतलब जब वो 0 को अप्रोच कर रहा है, टेंडिंग टू 0 शायद ही समझ पाओगे आप, ऐसा समझ लो जब वो 0 तक पहुंच रहा है, जब x का वैल्यू 0 तक पहुंच रहा है, जब यहां पर आप 0 पुट कर दोगे तो y जो होगा वो इंफिनिटी की तरफ भागेगा क्या, जब आप x को 0 रखने की कोशिश करोगे तो y जो होगा वो इंफिनिटी की तरफ भागेगा क्या, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का अगर ग्राफ बनाना है तो मैंने बोला कि x का वैल्यू जब 0 है तो y जो है वो इंफिनिटी है, इसी का उल्टा सोचते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे क्या, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 अपॉन y, अगर x इक्वल्स टू 1 अपॉन y है और ऐसा बोलते कि y अगर टेंडिंग टू 0 है, अगर y टेंडिंग मतलब y अगर 0 होता तो x का वैल्यू क्या होता, टेंडिंग टू इंफिनिटी होता क्या, हाँ या ना। अब इसको यूज करके इसका ग्राफ अगर बनाया जाए आपको क्या करना है, ये ग्राफ याद रखना है, y equals to 1 upon x का ग्राफ याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है अपने सिलेबस के हिसाब से। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, अब ध्यान से इस वाले में जब x का वैल्यू 1 रखोगे, जब x का वैल्यू 1 रखोगे तो y भी 1 होगा क्या, जब x का वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो y भी क्या रहेगा, माइनस 1 रहेगा। जब x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 है मतलब जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 पहुंचा नहीं है, 0 अप्रोच कर रहा है, जब x का वैल्यू 0 अप्रोच कर रहा है तो y इंफिनिटी चला गया क्या। अब इंफिनिटी को कैसे दिखाते हैं, डॉट, ऐसे डॉटेड लाइन से। ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ही दिखाना है, यहां पर भी पैरेलल दिखाना और यहां पर भी पैरेलल दिखाना और ये ग्राफ यहां से ऐसे घुमा देना। जो ग्राफ मैंने बनाया है आपको क्या करना है, याद कर लेना है बस, आप इसमें एनालाइज कर सकते हो कि ग्राफ सही है गलत है। कैसे, जब आप x का वैल्यू 1 रखोगे ना, जब आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। साफ साफ देखो x के केस में 1 रखने पे y का वैल्यू भी 1 मिल रहा है, ठीक है।
जब आप x के वैल्यू को माइनस वन रखते हो, जब आप x के वैल्यू को माइनस वन रखोगे तो y भी आपको क्या मिल रहा है, माइनस वन। बिल्कुल बात सही है एकदम। फिर क्या है, जब x का वैल्यू बहुत ज्यादा हो रहा है टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो y क्या हो रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, क्या जीरो हुआ नहीं है, कोशिश कर रहा है जीरो पहुंचने का। इंफिनिटी कभी पहुंच सकते हैं क्या, नहीं। इंफिनिटी कुछ ऐसा है जो आप कभी पहुंचा नहीं जा सकता, तो हम क्या बोल रहे हैं, जब x इंफिनिटी को पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो y जीरो को पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस वाले ग्राफ में देखो, अच्छा यहां पर भी देखो, जब x माइनस इंफिनिटी को पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो y जीरो को, अब वन डिवाइडेड बाई माइनस इंफिनिटी हो या वन डिवाइडेड बाई इंफिनिटी हो, दोनों का वैल्यू जीरो होगा क्या। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जब x माइनस इंफिनिटी को पहुंचने की कोशिश कर रहा है, x जब माइनस इंफिनिटी को पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो y जीरो को पहुंचने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ आपको ग्राफ से दिख जाए, देखो यहाँ पर x वाली बहुत ज्यादा, x वाली बहुत ज्यादा, तो y क्या है, y का वैल्यू यहाँ पर ओपन है तो y जीरो के करीब आ रहा है। ऊपर अगर आप देखोगे, मान लो उल्टा सोचो, जब y का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो x जीरो को अप्रोच कर रहा है, जब y का वैल्यू प्लस में इंफिनिटी है तो x क्या कर रहा है, जीरो की तरफ भाग रहा है, जब y का वैल्यू माइनस में इंफिनिटी है तो x क्या कर रहा है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। इस तरह के ग्राफ को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। इस तरह के ग्राफ को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। कुछ और भी ग्राफ होंगे, y इक्वल्स टू x स्क्वायर, सॉरी y इक्वल्स टू x क्यूब, y इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, ये भी ग्राफ होंगे, लेकिन उसको समझाने के ना एक बार पहले थोड़ा बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लेंगे, स्लोप का मतलब समझ लेंगे और अच्छे से, तब जाके क्या करेंगे यहाँ पे वापस आएंगे। अभी के लिए आपको याद क्या क्या रखना है, अभी अभी आप क्या क्या जानते हो, कैसा भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा आप ग्राफ बना सकते हो। दूसरा बात आप याद क्या रखोगे, पैराबोला जो है उसका ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है। पैराबोला एक ऐसा कर्व है जिसका स्लोप बार बार चेंज हो रहा है। और तीसरा मैंने आपको बनाया वाई इक्वल्स टू 1/x या x इक्वल्स टू 1/y का ग्राफ, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आपको क्या करना है, ये वाला ग्राफ ऑलमोस्ट आपको याद रखना है, बहुत बार काम में आएगा ये ग्राफ, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं।